सोलह अभी बन कैसे हैं आप सब भाइयों को, आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है नई वीडियो में, फिर बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ। तो काफ़ी कैंडिडेट पूछ रहे थे सर प्राइवेट बैंक में जॉब कैसे लें और इंटरव्यू क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, कैसे तैयारी करें और जो असेसमेंट टेस्ट होते हैं सर उनकी तैयारी कैसे करें। बेसिकली असेसमेंट टेस्ट ज़्यादातर ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन ही होते हैं, ठीक है। बट ऑनलाइन टेस्ट में आपको पता है कि हम ऑनलाइन टेस्ट को सिर्फ स्क्रीन पे देख सकते हैं, उनको डाउनलोड नहीं कर सकते। कुछ कैंडिडेट बोलते हैं सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भेज दीजिए, मैंने कहा डियर वो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं तो सब्जेक्ट मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एज अ फ्रेशर एक्सपीरियंस पर्सन, तो एक थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो हो गया, क्योंकि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट से एक्सपीरियंस पर्सन हैं तो आपको उसी से क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं, दैट सिंपल। फ्रेशर्स के लिए कैसे जॉब लें प्राइवेट बैंक में ग्रेजुएशन के बाद, मास्टर्स के बाद क्या किस किस इंटरव्यू को क्वेश्चन की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। कैसे प्राइवेट बैंक में अच्छा करियर बना सकते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन कौन सी अच्छी रहती है जिसपे आपको कम प्रेशर हो, कम टारगेट हो और आप इजीली अच्छे से सर्वाइव करके एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर सकें और एक अच्छी इंडस्ट्री में जा सकें। तो चलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप प्राइवेट बैंक में NBFC MFI में सेक्ट अपना करियर बनाना चाहते हैं इन सेक्टर्स में, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, ठीक है, तो एंड तक जरूर देखिए। तो हम बात कर रहे थे कि प्राइवेट बैंक्स में कैसे जॉब लें, ठीक है, हाउ टू गेट ए जॉब इन प्राइवेट बैंक्स, ठीक है। और ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का था। दूसरा था कि इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन क्या क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वारी जाती है, ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन। तीसरा एक मेरे से क्वेश्चन किया गया था, ठीक है, टेस्ट के लिए जो टेस्ट होता है जिसको असेसमेंट टेस्ट बोलते हैं अपन लोग, ठीक है, इसमें कैसे तैयारी कर सकते हैं, सब्जेक्ट वगैरह क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है, वो पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं वीडियो और बनाते हैं अच्छी सी वीडियो एक, जो मुझे नॉलेज है प्राइवेट बैंक को लेकर जो आपके लिए बेसिकली हेल्पफुल हो। तो पहले तो जॉब कैसे लें, ठीक है, प्राइवेट बैंक में, तो इस पे सबसे पहले देखिए प्राइवेट बैंक में जॉब लेने के लिए आपको उनके करियर पोर्टल को विजिट करना होता है। बहुत बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोगों को नहीं पता करियर पोर्टल होते हैं, चाहे वो आपका HDFC बैंक हो, ठीक है, चाहे वो आपका ICICI बैंक हो, चाहे कोटक ले लीजिए, इंडिया के कोई भी प्राइवेट बैंक हो, आपको हर बैंक का, ठीक है, और करियर पोर्टल मिल ही जाएगा। पहले तो करियर पोर्टल होता है, दूसरा आपके पास एक ऑप्शन है आज के टाइम में वॉकिंग इंटरव्यू बहुत होते हैं। मैं हमेशा वॉकिंग इंटरव्यूज के और, ठीक है, वीडियोज के और जॉब्स के अपडेट डालता रहता हूँ। तो दूसरा हमारा हो गया वॉकिंग इंटरव्यू, ठीक है, कोई सी भी बैंक हो, वॉकिंग इंटरव्यू में आपका देखो डेट डेट भी दिया रहता है, टाइम भी दिया रहता है और आपका लोकेशन, वो सारी इंफॉर्मेशन वहीं दी रहती है, जॉब रोल वगैरह एट ऑल। तीसरा आपका होता है आजकल एक अच्छे से, जैसे प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट देखो जॉब के लिए मुझे जो प्लेटफॉर्म लगता है, ठीक है, वो आपका हो गया लिंक्डइन, ठीक है, लिंक्डइन मुझे काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है, ठीक है। लिंक्डइन एक ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, एप्पल स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, अपना वहाँ पे लॉगिन कीजिएगा और आप वहाँ जॉब सर्च कर सकते हैं प्राइवेट बैंक्स के लिए, किसी भी बैंक का नाम डालिए, बहुत सारी रिक्रूटमेंट वहाँ पे डालते रहते हैं लिंक्डइन पे। चौथा है आजकल आप देख रहे होंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के भी नाम बताता हूँ मैं आपको, पहला आपका जो मणिपाल अकेडमी कराता है, ठीक है, प्रोविजनरी ऑफिसर प्रोग्राम, NIIT एकेडमी की तरफ से होता है, ठीक है, आपका IPB आपने सुना होगा, ठीक है, IPB हो गया, अर्ली स्किल्स हो गया, तो इस तरीके से कुछ एकेडमी हैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम कराती हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ठीक है, इन बैंकिंग और रिलेशनशिप मैनेजमेंट, किसी का 1 ईयर का ड्यूरेशन रहता है, किसी का 45 डेज का है, किसी का 90 डेज का है और कोई 21 डेज का भी कराता है। एक्चुअल में आई विल सजेस्ट यू कि 1 ईयर और NIIT 45 डेज, IPB 90 डेज, ओवरऑल गुड अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज दे विल प्रोवाइड यू जॉब आफ्टर कंप्लीट द प्रोग्राम आफ्टर 2 to 3 वीक्स, ठीक है, ये हो गया। अब वहीं अगर हम बात करें, ये तो हो गए जॉब लेने के तरीके, पहला देखो करियर पोर्टल है, दूसरा है वॉकिंग ड्राइव्स, वॉकिंग इंटरव्यू, फिर लिंक्डइन प्लेटफॉर्म हो गया, फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है। तो और पांचवा अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो बिल्कुल ऐड कर सकता हूँ, जिसको बोलते हैं हम कैंपस प्लेसमेंट, जो कि आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ए ग्रेड बी ग्रेड यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे
बैंक्स खुद आते हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है। बैंक्स इंटरव्यू के लिए आते हैं और फिर वहाँ पे आप इंटरव्यू दीजिए, ठीक है, और उसके बाद आप सिलेक्ट होते हैं। तो पांचवा आप कह सकते हैं कैंपस प्लेसमेंट, ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट हो गया। तो कैंपस प्लेसमेंट होते हैं। अब वहीं हम बात करें, ये तो हो गए जॉब लेने के तरीके, जॉब कैसे लें, ठीक है। अब एक और छठा एक और होता है जिसको मैं ऐड कर देता हूँ, वो होता है अपना रेफरेंस। अब जैसे मैं ICICI बैंक और दो तीन जगह वर्क कर चुका हूँ, तो मैं किसी का अगर रेफरेंस देता हूँ, अपने जो मेरे बॉस थे, सुपर बॉस, टीम लीडर थे, उनको मैं बोलता हूँ, तो वो जब भी ड्राइव्स होती हैं वो करवा देते हैं इंटरव्यू कैंडिडेट के, ताकि उनका भी करियर स्टार्ट हो सके, राइट। तो रेफरेंस हो गया। तो छह तरीके होते हैं जॉब लेने के। अब आप सोचेंगे सबसे इजी तरीका आज के टाइम में जो है वो क्लियर है कि पहला मैं मानता हूँ वॉकिंग ड्राइव्स, ठीक है, वॉकिंग ड्राइव सबसे इजी तरीका लगता है। दूसरा अगर है तो आपको करियर पोर्टल पे जाके अप्लाई करना है। तीसरा, कहीं से कुछ नहीं हो पा रहा है तो भाई ट्रेनिंग प्रोग्राम, और ट्रेनिंग प्रोग्राम वाला कैंडिडेट टिका रहता है क्योंकि वो बहुत कुछ सीख कर जाता है। उसके बाद आपका हो गया रेफरेंस, फिर आपका हो गया कैंपस प्लेसमेंट एट ऑल, ठीक है, ये हो गए। अब ये तो हो गए जॉब कैसे दें, अब इंटरव्यू क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, ठीक है, इंटरव्यू, ठीक है, क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन अराइज किया जाता है, पहला जो क्वेश्चन होगा वो हमेशा आपसे यही पूछा जाएगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है बट मुझे लिखना पड़ेगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, पहला ये हो गया भाई। दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाई शुड यू ज्वाइन, ठीक है, व्हाई शुड यू ज्वाइन दिस बैंक, मतलब ये बैंक आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाई शुड यू ज्वाइन दिस बैंक। तीसरा सिंपल और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कैंडिडेट से, ठीक है, व्हाट इज द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिलिटीज ऑफ बैंकर। अब बैंकर्स में लाइक आप जा रहे हैं, ठीक है, पीबी पे जा रहे हैं, पर्सनल बैंकर में जा रहे हैं, आरएम में जा रहे हैं, डीएम में जा रहे हैं, एएम पे जा रहे हैं, अब जिस भी पोस्ट पे या जॉब प्रोफाइल पे जा रहे हैं उसी के बारे में, बैंकर मंस आपका जो जॉब प्रोफाइल है उसी के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, कि व्हाट इज द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर, व्हाट इज द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीआरएम, पीआरएम, ठीक है, पीबीओ, ये सब जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, ठीक है, इन्हीं से पूछते हैं, ठीक है। अब भाई चौथा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था और कॉमन सब पूछ सकते हैं, ठीक है, तो वर्क ऑफ डिपार्टमेंट, जैसे कि आप देखो डिपार्टमेंट, जैसे कि आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, डिपार्टमेंट में जैसे आप ब्रांच में आपने अप्लाई किया है, या फिर आपने कॉरपोरेट के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, या फिर आपने, ठीक है, डिजिटल बैंकिंग के लिए अप्लाई किया है, DB, ठीक है, एक्सेट्रा, जो भी आपने अप्लाई किया है उससे देखो, तो डिपार्टमेंट का वर्क क्या होता है, जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछ लिया, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट का वर्क पूछ लिया। वहीं आपसे पांचवा एक अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए, वो क्वेश्चन हो सकता है कि टेल मी अबाउट, ठीक है, और सम फाइनेंशियल प्रोडक्ट नेम, ठीक है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स नेम। अब फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं उनके आपको नाम बताने होते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए, ठीक है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट नेम। और वहीं पे आपसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बाद, ठीक है, एक और क्वेश्चन कर सकते हैं नेक्स्ट, जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप, ठीक है, हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप रिलेशनशिप विद द कस्टमर, क्योंकि ओवरऑल कस्टमर्स के साथ ही डील करनी है आपको, बिजनेस करना है, ठीक है, और ये भी होता है, ठीक है, हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप विद द कस्टमर, ठीक है, हाउ टू जनरेट एंड हाउ टू मतलब सेल्स दिस प्रोडक्ट, एक हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कि एक सिनेरियो करके दिखाइए कि एक सपोज करिए कि आपको क्रेडिट कार्ड सेल करना है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड अगर आपको सेल करना है तो उसका सिनेरियो क्या होगा,
हाउ टू सेल क्रेडिट कार्ड, ठीक है, कैसे आप कस्टमर को बेच सकते हैं क्रेडिट कार्ड, सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इस तरीके से पूछता है हाउ टू जनरेट बिजनेस, ठीक है, यहाँ पे बिजनेस लिख दीजिए, बिजनेस एंड सेल दिस प्रोडक्ट या सेल द प्रोडक्ट, दिस छोड़ दीजिए द प्रोडक्ट, ठीक है, तो प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं जिसमें मैंने एक सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में आपको ये दिया है, तो ये पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी तो एक्स्ट्रा कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, एज अ फ्रेशर ज़्यादातर इतने ही क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई शुड यू ज्वाइन दिस बैंक, आवर बैंक, ठीक है, और व्हाट इज़ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंकर, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ दिस डिपार्टमेंट, ठीक है, टेल मी अबाउट सम फाइनेंशियल प्रोडक्ट नेम, हाउ टू बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विद द कस्टमर, ठीक है, हाउ टू सॉल्व कस्टमर क्वेरीज, ठीक है, और ये जो मैंने आपको बताया हाउ टू जनरेट बिजनेस एंड सेल्स टू सेल्स द प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसी तरीके से ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है, तो इसमें टेंशन मत लीजिए। अब इसमें आपको देखो तैयारी करने के लिए जैसे मैंने क्वेश्चन बताए आप आंसर खुद के बना लीजिएगा, अपने आंसर होने चाहिए, किसी का ए टू जेड कॉपी करने से कोई फ़ायदा नहीं। फिर कभी कभी एचआर बहुत टिपिकल माइंड के होते हैं, बहुत तेज माइंड होते हैं, वो उन्हीं में बीच में घुमा देते हैं, तो अपने आंसर बनाइए, ठीक है। अब वहीं पे एक, ठीक है, अब ये रहता अब कौन सी जॉब प्रोफाइल से आप करियर स्टार्ट कर सकते हैं, समझ लीजिए अंडर ग्रेजुएशन आपने किए, तो मैं लिख देता हूँ फोन बैंकिंग ऑफिसर, पर्सनल बैंकर, रिलेशनशिप ऑफिसर, ठीक है, और जब और इन सब में भी ठीक है। वहीं आप जैसे हर बैंक के अपने अपने जॉब प्रोफाइल होते हैं फ्रेशर्स के लिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप ये हो गया, ठीक है, वहीं पे आपका एक हो गया टेलर, टेलर से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, पर्सनल फोन बैंकिंग ऑफिसर, ठीक है, और वहीं आप अंडर ग्रेजुएशन के बाद और रिलेशनशिप मैनेजर RMB बनते हैं प्लस एक्सेप्टर, मतलब जो ये जो होता है ना, ये जो आपका अंडर ग्रेजुएशन पे एज अ फ्रेशर आप जा सकते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट, जिसमें कम ज़्यादा टारगेट नहीं रहता है एट ऑल, वो है फोन बैंकिंग ऑफिसर, जो गर्ल्स बॉयज़ के लिए बेस्ट है। पर्सनल बैंकर में सेल्स होता है, रिलेशनशिप ऑफिसर सेल्स करते हैं, टेलर में कैशियर का वर्क होता है, क्रॉस सेल का, फिर रिलेशनशिप मैनेजर सेल्स करते हैं। बाकी अब पोस्ट ग्रेजुएट जो होते हैं लाइक MBA MCA एट ऑल, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट वालों को ERM में जाना चाहिए, BRM में जाना चाहिए, डिजिटल बैंकिंग हो गया, उसके बाद वो ब्रांच में आ सकते हैं एज अ, ठीक है, RM बनकर, पर ग्रेड अच्छा हुआ, ठीक है। और वहीं अगर आप चाहें तो भाई फ़ोन बैंकिंग में भी जा सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, और वहीं आप, ठीक है, आप BRM बन के आ सकते हैं, CRM बन के आ सकते हैं प्लस एक्सेट्रा, बट MBA के बाद या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ERM BRM बेस्ट है, RM बेस्ट है, डिपार्टमेंट भी फ़र्क करता है, जैसे PBO हो गया कॉरपोरेट, पर्सनल बैंकर ब्रांच, रिलेशनशिप ऑफिसर ब्रांच, टेलर ब्रांच, RM कॉरपोरेट और ब्रांच, ERM कॉरपोरेट, BRM कॉरपोरेट, RM ब्रांच, PBO कॉरपोरेट, BRM ब्रांच, CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर ब्रांच, इस तरीके से आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं एज अ फ्रेशर, ठीक है। ग्रेड फ़र्क करेगी, जैसे अंडर ग्रेजुएशन में कुछ कैंडिडेट पूछते हैं तो आपको SO ग्रेड से SO ग्रेड मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो आपको असिस्टेंट मैनेजर से लेकर DM बन तक मिल सकता है एज अ फ्रेशर, ठीक है, फ्रेशर्स के लिए है ये। तो ये तो एक हो गया हमारा चैप्टर की भाई क्वेश्चन क्या रह सकते हैं सर, कैसे अप्लाई करें, किस क्या क्या पोस्ट रह सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो आपकी क्वायरीज थी, होप सो वो सब कुछ इसमें सॉल्व हो चुकी होंगी। बाकी कोई क्वायरीज है तो आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाकर आपके सामने लेके आऊँगा, कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा। हाँ, वहीं कभी भी आप जैसे इंटरव्यू देते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी, तो फॉर्मल अटायर, ठीक है, फॉर्मल्स को आप पहनिए, फॉर्मल होना चाहिए। दूसरा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए, कम्युनिकेशंस पे हमेशा काम कीजिए अपनी, कम्युनिकेशन आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश जिसका अच्छा है वो जल्दी मतलब सिलेक्ट किया जाता है और ज़्यादातर सर्वाइव भी कर पाता है। बाकी आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए कम्युनिकेशन में, ठीक है, और उसके साथ साथ आपका जो, ठीक है, आपका जो शेविंग बियर्ड वगैरह है ये सब ट्रिम होना चाहिए, ट्राई कीजिए। फॉर्मल में आपके जैसे शूज़, ठीक है, और आपका पैंट शर्ट हो गया, ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए गर्ल्स के लिए, जैसे कि गर्ल्स भी आजकल पैंट शर्ट यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ आप एक कुर्ती टाइप का पहन सकती हैं, कुर्ता पहन सकती हैं आप चाहें तो, अगर विंटर सीजन है तो भाई फॉर्मल्स में आप ब्लेजर यूज़ कीजिए। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप अपने आप को अच्छा दिखाते हैं ना, क्योंकि ठीक है, तो आजकल क्या होता है ना, सोसाइटी ज़्यादातर किसी को कपड़ों से ही जज करती है, गाड़ी बंगले इन सब चीज़ों से जज करती है, ठीक है, चाहे आप कपड़े कितने भी अच्छे पहनिए आपको जज कर लिया जाएगा, अगर आप बहुत अच्छे परिवार से, ये वो, चाहे भाई बैंक में जो बैलेंस है ना वो आपका 1 रुपये पड़ा हो,
और आपको एक अच्छा पैसे वाला माना जाएगा। तो आजकल तो यही है कि इंडस्ट्री हो कॉरपोरेट हो, वो एक नज़रिया है, इसीलिए फॉर्मल यूनिफॉर्म आप पहनिए जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं। और इंटरव्यू जब देने जाते हैं तो हमेशा से रिज्यूमे जो होता है ना, आप रिज्यूमे की, ठीक है, CV रिज्यूमे बोलते हैं, उसकी हार्ड कॉपी लेकर जाएं। और ट्राई कीजिए हार्ड कॉपी, आप कम से कम 2 हार्ड कॉपी तो लेकर जाएँ, कैरी कीजिएगा 2 हार्ड कॉपी, ठीक है। वहीं उसके साथ साथ आप अपना आधार कार्ड लेकर जाएँ, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, पैन कार्ड लेकर जाएं, ठीक है। और उसके साथ साथ आजकल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी मांगते हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जाइए। बाकी सब कुछ जो है, इन सब का सॉफ्ट कॉपी भी रखना है। अब सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, कुछ लोग बोलेंगे सॉफ्ट कॉपी आपको फ़ोन में इनकी बस फ़ोटो रखनी है, ठीक है, फ़ोन में फ़ोटो रख लीजिए बस, फ़ोटो क्लिक करके, ये हो गया सॉफ्ट कॉपी। जाके आप हार्ड कॉपी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप जा रहे हैं वो भी रिज्यूमे की, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जो भी वॉकिंग ड्राइव है, वॉकिंग ड्राइव में हार्ड कॉपी बहुत ज़रूरी, कुछ कैंडिडेट भूल जाते हैं, कभी नहीं भूलना है, ठीक है। और हमेशा फॉर्मल यूनिफॉर्म, ब्लैक शूज़ और पैंट शर्ट होना चाहिए, टाई लगा रहे हैं, वेल एंड गुड, आप जितना अच्छा दिखा सकते हैं। सिलेक्शन रेशियो हर चीज़ इंटरव्यू में, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी नॉलेज और आपकी पर्सनैलिटी, आपका यूनिफॉर्म, ये सब कुछ चेक किया जाता है पूरा, तब जाके सिलेक्शन होता है। हर चीज़ का मार्क्स काउंट होते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल था कि कैसे अप्लाई करें, ठीक है, और क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकते हैं, कौन से डिपार्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में ऐड हो गई। बाकी अगर कुछ बचा है, अब टेस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है, ये टॉपिक रह गया टेस्ट के बारे में थोड़ा सा, जो असेसमेंट टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब असेसमेंट टेस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। ये असेसमेंट टेस्ट में अगर आप पास होते हैं ना, ठीक है, तभी आपको आगे ज्वाइनिंग दी जाती है, तभी मतलब आगे इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल होता है। सबसे पहले आपका असेसमेंट टेस्ट में मैथ आता है, आपको पता ही हर जगह। दूसरा आपका आता है रीजनिंग, ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है, ठीक है, रीजनिंग। एक तो मेरा मार्कर भी दोस्त ख़त्म हो चुके हैं। तीसरा जो आपका आता है वो आता है जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश। भाई चौथा जो आपका जो आता है, ठीक है, जनरल इंग्लिश हो गया, थोड़ा सा आता है फाइनेंस के बारे में, ठीक है, फाइनेंस के बारे में आपसे ज़रूर पूछा जाए, क्योंकि आप एटलीस्ट बैंकिंग, NBFC, MFI में जा रहे हैं, तो फाइनेंस में आपका आता है ओवरऑल, ठीक है। और अगर हम बात करें पांचवा, अगर कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आप GK टाइप का ले सकते हैं, जनरल नॉलेज हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, ठीक है, करंट अफेयर्स हो गया, CA, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर तो फाइनेंस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, ये। अब वहीं पे ज़्यादा हार्ड नहीं होता, डोंट वरी, अगर है तो ज़्यादा ज़्यादा 100 क्वेश्चन होंगे। टाइमिंग आपका मेरे ख्याल से 2 घंटे तो रहना ही चाहिए, 2 घंटे के आसपास टाइमिंग होता है, देख लीजिएगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन, 2 घंटे टाइमिंग। पासिंग मार्क्स 50%, मतलब अगर 100 में से 50 सही गए हैं देन आप पास हो जाएंगे, ठीक है। भाई आपका ज़्यादातर जो टेस्ट होता है ना, आप कभी भी देखिएगा MCQ होंगे, सब MCQ ज़्यादातर, ठीक है, तो यही रहता है बस ओवरऑल। बाकी इसमें मैथ्स की तैयारी करिए, रीजनिंग की, ठीक है, और जनरल इंग्लिश, फाइनेंस की, फाइनेंस से रिलेटेड तो आएंगे भाई, बैंकिंग में आप जा रहे हो, तो ये ओवरऑल होता है असेसमेंट टेस्ट का। बाकी कोई प्रीवियस पेपर आपको नहीं मिलते क्योंकि ऑनलाइन होते हैं, ठीक है, तो इन्हीं से रिलेटेड आपके ये सब्जेक्ट मैंने बता दिए। बाकी तैयारी क्या है आप अपने हिसाब से ही करेंगे, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, यूट्यूब वगैरह गूगल से पढ़ लीजिए फाइनेंस के बारे में, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है, और एसेट लाइबिलिटीज़ वगैरह, लोन्स वगैरह, ठीक है, और म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट, ये सारी चीज़ें आप एक बार तैयार कर लेंगे तो इजीली आपका टेस्ट निकल जाएगा, 50% के आसपास रिक्वायर्ड। उसके बाद इंटरव्यू होता है, देन आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और ऑफर लेटर आ जाता है और आप ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये थी ओवरऑल वीडियो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, और कोई भी इश्यू है तो कमेंट कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।